निलॉस यूनिसेक्स सैलून एंड एकेडमी अपोजिट बदर विद्यालय वैशाली नगर अजमेर इंटरनेशनल वॉचेस कलेक्शन बाय मिनट्स टू स्टाइल मार्टिंडल ब्रिज अजमेर एस्ट्रॉन यूनिसेक्स सैलून कचहरी रोड अजमेर सैलून जो आपको देता है स्टाइल। नमस्कार, मैं सुशील पाल और एमपीटीवी इंडिया पर आज की खबर को बहुत ध्यान से देखिए क्योंकि इसका सीधा तालुकात अजमेर की जनता और अजमेर नगर निगम से है, वो निगम जिसे शहरवासी नरक निगम भी कहने लग गए हैं। सोमवार की यह घटना देखिए जिसने अजमेर नगर निगम को शर्मसार करके रख दिया है। दरअसल एमपीटीवी इंडिया सोमवार को कांजी हाउस में मर रही गायों की मौत पर निगम पहुंचा था, जहां भारतीय किसान यूनियन के युवा नेताओं और उपायुक्त प्रशासन अशोक कुमार मीणा के बीच तीखी नोकझोंक चल रही थी, जिसे मेरे सहयोगी कैमरामैन राजवीर कवर कर रहे थे। लेकिन इसी दौरान निगम उपायुक्त ने चैम्बर में चल रही तीखी नोकझोंक को कवर न करने और हमें रिपोर्टिंग का पाठ पढ़ाते हुए पत्रकार साथियों के साथ बदतमीजी शुरू कर दी। अधिकारी अशोक कुमार मीणा मेरे सहयोगी राजवीर से कैमरा बंद करने का तुगल की फरमान सुनाने लग गए, जिस पर मेरे द्वारा आपत्ति दर्ज करवाना उपायुक्त प्रशासन को नागवार गुजरा। निगम के इस अधिकारी अशोक कुमार मीणा को देखिए, इनका गुस्सा देखिए। उपायुक्त साहब तुरंत अपनी कुर्सी से उठे और चैम्बर से बाहर आकर हमारे साथियों से झगड़ा शुरू कर मेरे साथ मारपीट शुरू कर दी। निगम में हुई हाथापाई की पूरी घटना मेरे सहयोगी राजवीर कैमरे में कैद करते रहे, लेकिन तभी अशोक कुमार मीणा ने कैमरे को तोड़ने की कोशिश शुरू कर दी, जिस पर हम आपत्ति दर्ज कराते रहे, लेकिन उपायुक्त प्रशासन का गुस्सा सातवें आसमान पर रहा और अशोक कुमार मेरे साथ हाथापाई करते रहे। यह पूरी घटना एनपीटीवी इंडिया के कैमरे में रिकॉर्ड होती रही। रिकॉर्डिंग में साफ सुनाई देगा कि एक जिम्मेदार अधिकारी कैसे गालियों का संबोधन करते नजर आ रहे हैं। पूरा वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे, जिससे यह तय हो सके कि मीडिया वाकई अपनी जिम्मेदारी अजमेर शहर की जनता के लिए कितनी निभा रहा है। और देखने के बाद आप खुद शहरवासी ये फैसला कीजिए कि आखिर अधिकारियों की जवाबदेही और जिम्मेदारी तय कैसे होगी, इनके काम की पारदर्शिता तय कैसे होगी। और सबसे खास बात, जब ऐसी घटना हमारे साथ हो सकती है तो फिर आप खुद अंदाजा लगाइए कि आपके साथ तो क्या क्या होता होगा। खैर, जनता के साथ निगम अधिकारियों का ऐसा ही दुर्व्यवहार हमारे कैमरे में कैद हुआ है और उसी तस्वीर को अशोक कुमार मीणा हमारे कैमरे में कैद नहीं होना देना चाहते थे। चलिए पहले देखिए हाथापाई का ये वीडियो, उसके बाद आपको दिखाते हैं कि अजमेर नगर निगम में अधिकारी कैसे आम जनता के साथ व्यवहार करते हैं। मुझे पता है मीडिया किस तरीके से काम करती है। वो हमको भी पता है। क्यों कर रहा है? क्या कर रहा है? साले क्या कर रहा है? अच्छा, मेरे चैंबर में आके कर रहा है। क्यों कर रहा है? एक रुपए पे बनाओ, बिल्कुल बनाओ, ये बनाओ मेरी कॉपी। तो देखा आपने, हमारा धर्म और कर्म आपकी आवाज बनना है और वो हम हमेशा बनेंगे। फिर चाहे कोई अधिकारी हमारे ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज करवाए या फिर कोई अधिकारी SC ST एक्ट का दुरुपयोग कर झूठा मुकदमा दर्ज करवाए। खैर, मामला आपके बीच है, जनता की अदालत में है और अब आपको सही गलत का फैसला करना है। और हरेक लोगों का अधिकार है कि वो अधिकारी से आके मिले, अपनी प्रॉब्लम्स बताए। और मैं सोचता हूँ अधिकारियों को संयम रखना चाहिए कि जनता के साथ या जो भी लोग ज्ञापन देने आए उसके साथ बहुत ही सभ्यता और ढंग से पेश आए। और जैसा कि आप लोगों ने बताया और दिखाया कि पत्रकार के साथ धक्का मुक्की और जिस तरह से किया है, ये निंदनीय है और आगे नहीं होना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। वैसे तो नगर निगम एक ऐसी एजेंसी है जिसमें सबको बहुत ही ढंग से और बहुत ही तरीके से हम लोग यहाँ पर बैठ के काम करते हैं और जनता को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा दिलाने की कोशिश करते हैं कि जनता यहाँ से सेटिस्फाइड होकर जाए। सर, आपने वीडियो देखा, पत्रकार साथ कैसी बदतमीजी और गाली गलौज भी कर रहा, आपने देखा और सुना भी होगा, तो आप इसके बारे में और क्या कहना चाहोगे सर? आप देखिए, ज़्यादा नहीं, बस ये पुनरावृत्ति नहीं हो, ये बार मतलब ऐसा पुनः नहीं हो। और जो भी है विषय जैसा देखा वो ठीक नहीं है, ऐसा मैसेज अच्छा नहीं जाता है। आज सर पत्रकार के साथ होते तो आम जनता है, उनके साथ भी हो रही होगी, तो देखिए वैसे तो जनता के साथ ऐसा नहीं होता है। अब किस परिस्थिति में हुआ नहीं हुआ, लेकिन हाँ, जो दिखाया जो हो रहा है वो गलत है
और हम उसकी निंदा करते हैं। वो आपके मार्फत से मैंने देखा है भी, सारे पत्रकार बंधुओं ने मुझे क्लिपिंग दिखाई है, लेकिन जो भी हो वो निंदनीय है और मैं भी निंदा करता हूँ कि पब्लिक डीलिंग वाले जितने भी ऑफिस हैं ऐसे व्यवहार किसी अधिकारी को करना ठीक नहीं है। आज अगर जनता का नगर निगम में किसी कार्य को लेकर आ रही है या कोई शिकायत लेके आ रही है या किसी भी अधिकारी कर्मचारी या किसी के बारे में, तो किसी भी अधिकारी को संयम बरतना चाहिए। और जो आज ये मैंने आपके मार्फत से आपके जो वीडियो में क्लिपिंग देखी है वो निंदनीय है, ऐसा कभी दोबारा नहीं हो। और कोई सी भी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई भी संगठन हो, अगर आज वो ज्ञापन लेके अगर नगर निगम में आ रहा है तो उसका रेस्पेक्ट करना चाहिए। चाहे कभी हम विपक्ष में हो, चाहे कोई सी भी सरकार हो, सरकारें आती जाती रहती है, अगर आज किसी मुद्दे पे अगर कोई पार्टी मिलने आई है या कोई संगठन अगर ज्ञापन देना है तो शालीनता से उनको सुनना चाहिए और उसका जो भी निदान हो वो करना चाहिए। मेरे नहीं, वैसे गलत है, जिस अधिकारी ने भी ऐसा किया है, हम सरकार में हैं, हम आगे इसको आगे प्रोटेस्ट करेंगे, सरकार को लिखेंगे इस बारे में कि ऐसे अधिकारियों को अगर आप निगम में नहीं रखे तो ही अच्छा है। आज पत्रकार के साथ भी आम जनता के साथ भी हो सकती है? वैसे जनता के साथ में तो ऐसा कभी मैटर आया नहीं, लेकिन हाँ जिस हिसाब से अगर आज आपके किसी पत्रकार के साथ में ऐसा हुआ है तो शायद आगे ऐसी पुनरावृत्ति हो सकती है, इसलिए हम सरकार को भी लिखेंगे। देखिए बदतमीजी तो चाहे अधिकारी करे चाहे कोई करे, किसी के साथ कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। और जिस प्रकार आज पत्रकार भाइयों के साथ हुआ है वो सरासर गलत हुआ है, क्योंकि एक नगर निगम एक ऐसी जगह है जहाँ पर हर प्रकार का व्यक्ति आता है। इन व्यक्तियों को अपने हिसाब से अधिकारियों को संयम बना के रखना चाहिए, क्योंकि कई लोग सीधे भी आते हैं, कोई तेज भी आते हैं, हर तरह का प्रकार, लेकिन इनको इस चीज़ का संयम रखना जरूरी है। क्योंकि अगर नगर निगम में आप आए हो तो यहाँ पर आपको अधिकारी के पोस्ट पर बैठे हो तो आपको तो हर तरह की भावना रखनी, अच्छी भावना रख के हर तरह की बात को सहन करने की शक्ति होनी चाहिए, तब तो आप नगर निगम में आए, अन्यथा नगर निगम में बैठना ऐसे अधिकारियों को बेकार है जो किसी की बात को सहन ना कर पाएँ, ऊपर से बदतमीजी कर, चाहे पत्रकार भाई हो मेरे चाहे हमारी आम जनता हो, के साथ अगर ऐसा करते हैं तो सरासर गलत है। बड़ा कांजी हाउस में जो हादसा हुआ, कुछ भी हुआ, उसके लिए हम कहाँ पे जाएंगे आप बताओ? देखिए कांजी हाउस में हो चाहे नगर निगम से रिलेटेड कोई भी जगह हो, वहाँ से कोई भी प्रकार का अगर कोई कार्य हो या किसी प्रकार का कोई काम करना होगा तो अधिकारी के पास ही आना पड़ेगा, अधिकारी को इस चीज़ को सुनना पड़ेगा। जैसे आपने देखा कि गाय मर रही है, सर्दी है, कांजी हाउस के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि आज 10 साल तो मुझे खुद को भी नगर निगम में हो गए हैं, इतनी स्थिति खराब है वहाँ पर, चारे का पता नहीं है, गायों का पता नहीं है, और आप जाकर रात को देखो 500 देकर साइड से गाय निकाल दी जाती हैं। जो गाड़ी गाय पकड़ने जा रही है, जहाँ हम लोग भी पार्षद लोग कहते हैं कि यहाँ से गाय पकड़वाई जाए, लेकिन वो गाय वहाँ से नहीं पकड़वाई जाती है, जबकि दूसरी जगह से गाय उठाकर वही लोग उस पर बैठे हैं, प्राइवेट बच्चे बैठे हैं जो कि गाय पालक हैं। तो आप गाय पालकों को रख रहे हो उस गाड़ी के ऊपर, तो कहाँ से आप किसी की गाय पकड़ पाओगे? तो व्यवस्था वैसे भी गाय की गड़बड़ाई हुई है, मोहल्लों में गलियों में गायों ने इस तरह का आतंक मचा रखा है। गाय पालकों पे भी पाबंदी थोड़ी करनी चाहिए कि व्यवस्थित रखें इस चीज़ को, उसके बाद उनको वहाँ ना रखें जो गाय पालक वो गाड़ी पर बैठ कर, मैं आपको इस चीज़ का वीडियो भी दे सकती हूँ क्योंकि मैंने खुद ने भी देखा था कि गाय पालक खुद उस गाड़ी पर बैठकर चल रहे हैं, और जो यहाँ तक कि सुनने को आया कि जो लोग आगे गाड़ी चला रहे हैं उनके साथ जो बैठे हैं उनकी उनसे मंथली बंदी हुई है, आराम से वो पैसा लेते हैं। आप कहो तो मैं आपको प्रूफ सहित भी दिखा सकती हूँ, इसलिए मीडिया पे मैं बोल रही हूँ, क्योंकि प्रभारी जो हमारे प्रदीप गुप्ता जी हैं, मैं खुल के कह रही हूँ उनके लिए, उन्होंने जब भी मैंने कई लोगों से फ़ोन करवाया उनको तो कहते हैं कि आप बंदर पकड़ लो, आप बंदर बन जाओ, आप इंजेक्शन लगवा लो बंदर का, इस तरह की रिकॉर्डिंग है जिन्होंने फोन करा उनको। कालाबाजारी चल रही है, बिल्कुल कालाबाजारी है, क्योंकि गाय को देखते हुए जहां एक तरफ हम उसकी रक्षा कर रहे हैं, गौ माता कहते हैं, और वहां पर ऐसे अधिकारी को रख रखा है, वहां से ऐसे अधिकारी को हटाना चाहिए, क्योंकि सिवाय बतौले के सिवा उस आदमी के पास कोई काम नहीं है। आज तक ना उस आदमी ने, प्रदीप गुप्ता ने कोई ऐसे अच्छे काम करे हैं वहां पर, सिवाय आप जाँच करा लीजिए, आपको पता चल जाए कांजी हाउस का क्या हाल है। इतना दूर है कि जाने में हालत ख़राब होती लोगों की, लोग गाय छुड़ाने जाते हैं तो उनके संग में पैसा मांगा जाता है, ये आप अगर कहोगे तो आपको जनता वीडियो भी दिखा देगी। मैडम आपने जिस प्रकार से जो पशुपालक आए थे यहाँ पर, सुअर पालक पशुपालक जो भी आए थे यहाँ पर अपनी समस्या लेकर, वो समस्या इतनी थी कि आप इतना पैसा क्यों ले रहे हैं? वहाँ पर गायों के लिए मेन खाना होता है कुट्टी, वहाँ पर खागला दिया जा रहा है जो कि इंसान जानवरों के लिए ज़्यादा दिन तक सही नहीं रहता,
तो इसके बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि कुट्टी प्रॉपर तरीके से पॉसिबल नहीं वहाँ पे। मैंने आपको वही बताया भैया कि आप वहाँ पे जाकर देखें, चारा भी नहीं मिल रहा है, और यहाँ से इतनी दूर जब गाय जिसकी लेके जाएंगे, और इसमें सब पॉलिटिक्स अलग टाइप की चलती है कि जो मिलने वाला है एक दूसरे की गाय पकड़वा देता है, वहाँ जाके रात को आप देखिए वहाँ जाके छुड़वा ली जाती है। पहले भी कांजी हाउस में आपको पता किस तरह का एक कांड हो चुका है, ये काफ़ी सालों से चल रहा है, क्योंकि पहले भी ऐसा था और आज भी ऐसा है। और मुझे समझ नहीं आता कि बड़े बड़े अधिकारी और चीज़ों को तो देखते हैं जो नहीं देखनी चाहिए, और जो वास्तविक देखने की पीड़ित जो हैं लोग उनको नहीं देखा जाता। गरीब आदमी की अगर गाय आप जबरदस्ती उठा के लेके जाएंगे तो वहाँ पे छुड़ाने का पैसा उसको इतना देना पड़ता है कि उस चीज़ का गरीब क्या तो खाएगा, क्या गाय को खिलाएगा, और क्या वहाँ जाकर अपना छुड़ा के लेके आएगा। ऊपर से गाय लेके आने का भी उसको पैसा देना पड़ता है, तो ये सब समस्या बहुत ज़्यादा है। मैडम वहाँ पर कांजी हाउस में गायों के साथ में सुअरों को भी साथ में रखा जा रहा है, तो ये प्रदीप गुप्ता जी की मेहरबानी है कि सुअर गाय कुत्ते सब एक ही माजरे के हैं। वो कहते हैं कि इंसान भी सुअर बन जाओ कुत्ते बन जाओ, मैं किसी का कुछ नहीं कर सकता, मेरे हाथ में नहीं है। वो कहते हैं प्रदीप जी का, मैं कह रही हूँ खुद कि वो यही कहते हैं। मैंने कई लोगों से फ़ोन भी करवाया कि भाई, मैंने कहा हमारे बस का नहीं है, आप उनको फ़ोन करो, तो उनका एक ही जवाब आता है, आप बंदर बन जाओ, आप इंजेक्शन अपने लगवा लो, मैं क्या कर सकता हूँ। उनके पास कोई सवाल का जवाब नहीं है। मैडम आज विद्यार्थी परिषद इसी मुद्दे को लेकर नगर निगम आए, तो आज नगर निगम में दीपक क्या नाम था, अशोक जी मीणा ने उनके साथ भी करा, और ये क्या गलत है या सही है? देखिए आज जो भी आए थे अपने विद्यार्थी परिषद के लोग और जो पत्रकार भाइयों के साथ हुआ, सरासर गलत है। अधिकारियों में अगर क्षमता नहीं है सहन करने की, तो उनको यहाँ बैठने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसी सरकार जो ऐसे अधिकारियों को यहाँ पर बैठाती है, मैं कहती हूँ ऐसी सरकार को भी उखाड़ के फेंक देना चाहिए, जिन्होंने नाक में दम कर रखी नगर निगम के, और यहाँ बैठ कर किसी भी प्रकार से ध्यान नहीं दिया जा रहा, सिवाय ऊपरी फोकटियाई जो बातें हैं वही करी जा रही हैं। जैसी सरकार है वैसे काम हो रहे हैं, वैसी जनता परेशान हो रही है। गलत है, अगर ऐसा एक अधिकारी इस पोस्ट पे बैठकर अगर इस तरह से करता, सामने वाला क्या ज्ञापन लिखकर आया है पहले उसकी सुने, एक बार धैर्य रखकर वो ज्ञापन में अगर मान लो कोई गलत भी हो ज्ञापन, लेकिन अधिकारी को ये अधिकार नहीं है कि वो इस तरह का व्यवहार करे। उस ज्ञापन को सुने, देखे, समस्या को समझे और उसके बाद संतुष्टि का जवाब दें, क्योंकि ये नगर निगम में जो पद है वो एक जनप्रतिनिधि के लिए भी और एक जन समस्याओं के लिए बना हुआ है नगर निगम, और इसमें हर आदमी अपनी समस्या लेकर आएगा और हर अधिकारी को अपना धैर्य रखना पड़ेगा यहाँ, क्योंकि झगड़ा तो करानी किसी ने, अगर झगड़ा भी कर रहे हैं वो तो आपके पास कानून है, आपके पास उसकी व्यवस्था करो, आप खुद क्यों झगड़ रहे हो? अगर कोई ऐसी बात है तो आपके पास व्यवस्था है, उस व्यवस्था के तहत काम करो और उसका ज्ञापन लेकर उसकी समस्या का समाधान करो, यही मैं कहना चाहूँगी। मैडम हर किसी के साथ धक्का मुक्की हो रही है, आज आप भी जाओगे या किसी के साथ जाओगे तो ये इन पे सीट पे देना चाहिए इनको? नहीं, हम अभी हम चूँकि सरकार कांग्रेस की है तो इसमें सरकार की बदनामी होती है अगर ऐसे अधिकारी बैठते हैं, क्योंकि सरकार नहीं चाहती है कि ऐसे काम हो। अगर ऐसा कोई अधिकारी इस तरह का काम कर रहा है तो हम सरकार को भी लिखेंगे, जैसा भी काकू भाई ने भी बताया आपको कि सरकार को देंगे, और हम ये चाहते हैं कि सरकार खुद निष्पक्ष जांच करे इस पर, जो गायों के साथ इस तरह का अत्याचार हो रहा है और गायों के साथ इस तरह की अगर नाइंसाफी हो रही है। नगर निगम ने खुद ने इसमें प्रस्ताव भी बना के खुद भेजा हुआ है कि भाई गाय छोड़ने के कितने पैसे लेने हैं, क्या लेने, और अगर अधिकारी इस तरह का काम कर रहा है तो उसके खिलाफ़ जाँच बैठानी चाहिए और जो दोषी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। आपने मैडम वीडियो में देखा था कैसे कर रहे थे धक्का मुक्की, कैसे बातें कर रहे थे आपने? तो मैं वो मैंने वीडियो देखा, आपने मुझे वीडियो दिखाया। अगर पत्रकार भाइयों के साथ ये करना एक निंदनीय कार्य है, पत्रकार भाइयों के साथ क्या आम जनता के साथ भी नहीं करना चाहिए, किसी के साथ भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तो सीटी ऐसी है नगर निगम की जहाँ पर हर आदमी आएगा अपनी समस्या को लेकर, हर तरह की समस्याएँ या समाधान का केंद्र जो है नगर निगम ही है। आज अगर अपन कोई कहें कि भाई हमारे नाली की सफाई नहीं हो रही है और अधिकारी से आके शिकायत करे कि कोई हमारी सफाई नहीं कर रहा, तो अगर अधिकारी इस बात को लेकर उससे झगड़ा कर ले, उसे गेट से बाहर निकाल ले, तो ये निंदनीय कार्य है। ऐसे अधिकारी को यहाँ रहने का कोई औचित्य नहीं है। आज आम जनता कहाँ जाएगी, नगर निगम में नहीं जाएगी तो कहाँ जाएगी? नगर निगम में जाएगी, कहाँ जाएगी आम जनता? ऐसे झगड़ा कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे तो कहाँ जाएगी आम जनता? नहीं, अगर इसके लिए जाँच बिठाई जाएगी, और अगर ये अधिकारी दोषी है तो मेरा तो मानना है कि इनको यहाँ से हटा दिया जाए, जिससे कि इस तरह की दुर्भावना या इस तरह की भावना या नगर निगम का जो ये नाम खराब हो रहा है वो नगर निगम का नाम खराब ना हो। ऐसे अधिकारियों को यहाँ रहने का कोई औचित्य नहीं है। हम इस बात के लिए अभी सीईओ से बात करेंगे, सीईओ मैडम से बात करेंगे कि भाई इस तरह से नगर निगम में क्या व्यवस्था हो रही है ऐसी, जिससे हमारी सरकार की तो जब सबसे ज़्यादा बदनामी हो रही है ऐसे।
मैडम भारतीय श्रीवास्तव ने ये भी कहा है कि आज जो प्रदीप जी जो कांजियाँ चला रहे हैं उसमें कालाबाजारी हो रही है। अगर भारती जी ने कहा तो कुछ तथ्यों के आधार पर कहा होगा, अगर ऐसी कालाबाजारी हो रही है तो ऐसे व्यक्ति को जांच कर उसको उठाना चाहिए पद से। मैडम ऐसे अधिकारी नगर निगम और कांजी हाउस में रहेंगे तो नगर निगम और कांजी हाउस चलेगी? नहीं नहीं चलेगी। आपने देखा, आपको ध्यान हो तो बीजेपी सरकार में भी कांजी हाउस में जयपुर में ऐसा हादसा हो चुका है, तो इस बात को ध्यान में रख के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशील है, इस बात को ध्यान में रखते अगर इस तरह का संज्ञान उनके जैसी उसमें आएगा तो इस तरह का वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखो ऐसा है, नगर निगम है जो लोगों की समस्याएं सुनती है, और नगर निगम संबंधी कोई भी काम पड़ता है तो लोग बाग नगर निगम में आते हैं, शिकायत करना आते हैं, या पत्रकार बंधु भी आते हैं तो कोई भी बात को सत्यापित करने पूछने के लिए आते हैं। अगर किसी भी अधिकारी ने नगर निगम में आए हुए व्यक्ति का सम्मान नहीं किया, पत्रकार का सम्मान नहीं किया, तो ये निंदनीय घटना है, और इस घटना के लिए मैं प्रशासन से मांग करता हूँ कि ऐसे जो व्यक्ति है, आयुक्त है, इनके खिलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। और दूसरा जो कृत्य सामने आया कि भाई गायों से मरा हुआ कोई प्रकरण था, उसको लेके पत्रकार बंधु पूछने आए थे। अब गाय मरने का तो जो प्रश्न है वो ये कुछ कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि नगर निगम की तरफ से सभी सुविधाएं अवेलेबल है, चारा पानी और देख रेख की व्यवस्था भी। लेकिन दरअसल क्या है, सर्दी का माहौल है, और सर्दी के माहौल में कुछ गाय बीमार भी रहती है, उनके कारण मौत भी हो जाती है। तो इस पॉइंट का भी इशू नहीं बनना चाहिए कि भाई गाय मर गई, क्यों मरी। भाई क्या होता है कि व्यक्ति अगर जन्म लेता है तो वो मालिक का हाथ में होता है, और मौत भी आती है तो वो भी मालिक का हाथ में होती है, चाहे इंसान हो, जानवर हो, कोई भी हो। तो इसमें इस बात का तूल नहीं देना चाहिए। तूल इस बात का हो कि भाई 15 गाय एक साथ मर रही है, 10 गाय एक साथ मर रही है, और मरने का रीजन क्या है, तो पता चलना चाहिए कि भाई इस पर वास्तविकता कार्रवाई होनी चाहिए। अगर आप लोगों को ये लगता है कि गाय वहाँ पे 3 मरी है, और तीनों गायों में कहीं आपको कोई संदिग्ध व्यक्ति लग रहा है, और नगर निगम की कोई उसमें भूमिका है, तो उसके खिलाफ आप एक बार हमें कुछ बताएं, हम उसकी जाँच कराएंगे। दरअसल 20 गाय अगर मरी है तो ये एक तरह की निंदनीय घटना है, और गौ हमारी माता है, और अगर इस तरह का कोई कृत्य सामने आया तो जहाँ पे जिम्मेदार अधिकारी थे जो कांजी हाउस में लगे हुए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करवाएंगे। प्लस जो नगर निगम के जो अधिकारी वर्ग है उन्होंने क्यों नहीं देख रेख की गई उसके खिलाफ भी कार्रवाई कराएंगे। और हम सभी पार्षद इसकी निंदा करते हैं, और निंदा के साथ साथ ये भी करते हैं कि जितनी भी गायें मरी है उनका पोस्टमार्टम हुआ नहीं हुआ, और नहीं हुआ तो उसके कारण क्या रहा। और अगर आप लोग ये बता रहे हो कि गाय मरी है तो हम चाहते हैं कि उनका पोस्टमार्टम हो, और जो उचित से उचित कार्रवाई हो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। प्लस जो अधिकारी है जिन्होंने देश में आके किसी पत्रकार बंधु के साथ में जो अभद्र व्यवहार किया है उसके खिलाफ भी अनुचित कार्रवाई होनी चाहिए। हम सभी पार्षद इसकी निंदा करते हैं, और आगामी कोई भी चाहे जनप्रतिनिधि हो, चाहे पब्लिक का रिलेटेड कोई भी व्यक्ति हो, चाहे पत्रकार हो, अगर किसी भी अधिकारी ने उसको अपशब्द बोला तो उसके खिलाफ सारे पार्षद लामबंद होंगे, और उसके खिलाफ कार्रवाई करवाने के लिए पूरी तरह से तत्पर रहेंगे। साथ में पशुपालकों का ये भी कहना है कि वहाँ पे सुअरों के साथ गायों को रखा जा रहा है। दरअसल क्या है कि इस बारे में हम जब जाते हैं और मौके पे कभी कोई काम पड़ता है या वहाँ पे कोई प्रोग्राम होता है तो एक आध बार गए हैं, लेकिन हमने ऐसा देखा नहीं है। अगर आप लोगों ने देखा है तो वो विजुअल पब्लिक के सामने दिखा है। प्लस जो भी अधिकारी कांजी हाउस को संभालता है उनके खिलाफ भी तुरंत कार्रवाई होगी, और प्रदीप गुप्ता है वहाँ पे, वो पूरी तरह से जिम्मेदार है इस प्रक्रिया के लिए कि भाई प्रदीप गुप्ता ने अगर मान लो वहाँ पे देख रेख करने के लिए उनको लगाया हुआ है, परवारी है, तो उनकी पूरी पूरी जिम्मेदारी बनती है कि उस चाहे जानवर हो, चाहे वहाँ पे देख रेख करने वाले कोई भी कर्मचारी बंधु है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और जानवरों को देख रेख करने के लिए चारा पानी की व्यवस्था उचित होनी चाहिए। जो ये अधिकारी हैं इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठे हैं, इतने समझदार लोग हैं, अगर वो पत्रकारों के साथ ही ऐसा व्यवहार करें तो आम जनता देखेगी, वो अपना दुख लेके कहाँ जाए। भाई हमने बताया ना, मैंने अभी आपके सामने बोला है कि किसी भी पत्रकार ने, चाहे आमजन हो, महिला हो,
या नगर निगम सीमा में रहने वाले कोई व्यक्ति हो, विकलांग हो और पत्रकार बंधु हो या पार्षद हो, उनों से भी अगर गलत तरीके से पेश आए या उनका बर्ताव उनके प्रति भी गलत रहा, तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ, चाहे वो कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों नहीं हो, उसके खिलाफ सारे पार्षद लामबंद है और हम इस प्रकरण को जीसी के अंदर भी उठाएंगे। और हम ये मांग करेंगे कि ऐसे जो व्यक्ति यहाँ पे लगाए गए हैं कमिश्नर वगैरह, और उन्होंने अगर ऐसा कर्त किया है तो उनके खिलाफ ठोस से ठोस कार्रवाई कराने की मांग करते हैं। हम सीओ मैडम से भी बात करेंगे, सीओ मैडम को हम बोलेंगे कि भाई जिस व्यक्ति ने अगर मान लो पत्रकारों के साथ में अभद्र व्यवहार किया है, तो आम जन यहाँ पे कई आते हैं जो हमारे वार्ड से संबंधित समस्या होती है उनको लेके लोग आते हैं, अगर उनके साथ भी इस तरीके का प्रताव होता होगा, जब पत्रकार तो ठीक है आपने कवरेज कर लिया और दिखा दिया, कई लोग तो ऐसे होते होंगे जो सुन के भी चले जाते होंगे, तो हम ऐसे व्यक्ति के खिलाफ सीओ मैडम से भी बात करेंगे और हम ये मांग करते हैं कि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और उनका पनिशमेंट मिले। श्रवण टोनी पार्षद। सर देखिए, बहुत ही निंदनीय घटना है, और लोकतंत्र में अगर नगर निगम में वो अधिकारी जो प्रेस वालों के साथ में ऐसी घटना कर सकते हैं, तो साहब नगर निगम में आप समझ लो कितना भ्रष्टाचार होगा। ये अधिकारियों ने इतना भ्रष्टाचार में सब व्यक्त है, अगर इनकी जांच की जाए तो इनके भ्रष्टाचार भी उजागर हो जाएंगे। और इसी डर की वजह से ये मीडिया वालों पे इन्होंने आज ये घटना की है। कोई भी किसी को ज्ञापन दे सकता है, आज इन्होंने जब मीडिया वालों के साथ में जो घटना करी है, तो एक चीज़ बताइए, आम आदमी इनके आता होगा तो वो किस तरह से दुर्व्यवहार करते होंगे। मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा गया है, और उस तरह से एक मीडिया वालों के साथ में घटना करना, आज इन्होंने इस मीडिया वालों के साथ में की है, कल दूसरी मीडिया वालों के साथ में करेंगे, तो हम पूरा संगठन, हमारे खुद के, मेरी पर्सनल राय से मैं इसकी घोर कड़ी निंदा करता हूं, और ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इनका घटना की जो भ्रष्टाचार है, इनके कार्यकाल की जांच होनी चाहिए कि इन्होंने क्या किया, कैसे किया, क्योंकि जनता के व्यक्ति, आम व्यक्ति कोई भी जनता के अधिकारों के लिए यहां पर आ सकते हैं, इनसे जवाब ले सकते हैं, लेकिन जवाब देने के बजाय ये अभद्र व्यवहार करते हैं। तो इसकी पूरे हम संगठन, हमारा NSI संगठन, यूथ कांग्रेस संगठन, इसकी कड़ी घोर प्रदर्शना करता है। और अगर इन अधिकारियों ने माफ़ी नहीं मांगी, और अगर माफ़ी नहीं मांगी, तो हम ज्ञापन भी देंगे कलेक्टर साहब को, SP साहब को भी ज्ञापन देंगे, और इसके खिलाफ कार्रवाई की जांच करेंगे। अगर इन्होंने माफ़ी मांगी, तो अगर नगर निगम में ताला लगाने की जरूरत पड़ी, तो नगर निगम में ताला भी लगाएंगे। किसी भी अधिकारी को इस तरह का जो कार्य करा है, वो घोर निंदनीय है, जिसकी जितनी भी निंदा की जाए वो गलत है। जो एक जिम्मेदार आदमी अगर पद पर बैठा है, उसके पास किसी भी तरह का आदमी आ सकता है, इतना आवेश में आके वो, उनके रवैये से ऐसा लग रहा है जो अधिकारी है वो किसी अपराधी तत्व के जो लोग होते हैं ना, अपराधी गिरोह चलाते हैं उस तरह का। एक जिम्मेदार आदमी इस तरह का नहीं कर सकता, उसका काम है वो उनको अपने संयमता में रह सकते हैं। अगर उनके साथ कुछ गलत हुआ है, ऐसा ही हुआ है, वो लिखित में दे सकते थे, मगर उसकी घोर निंदा करते हैं। मीडिया है, चौथा स्तंभ है, अगर उसके साथ इस तरह की हरकत कर सकती है, तो आप सोचो यहाँ आम नागरिक के साथ किस तरह का बर्ताव किया जाता होगा। इससे कल्पना लगा सकते हैं कि कोई भी आम नागरिक यहाँ आता होगा तो निगम के अधिकारी या निगम के लोग उससे किस तरह की वार्ता करते होंगे। इसकी घोर निंदा करते हैं, यदि उच्च कार्रवाई नहीं करी, इसके लिए हम CO मैडम को भी शिकायत भी करेंगे कि इसकी अपने स्तर पर वो जांच करें खुद कि क्या मामला है, उस अधिकारी के खिलाफ एक्शन लिया जाए, उनको चार्जशीट दी जाए। अगर नहीं होती तो हम इस मामले की घोर निंदा करते हैं और कड़े शब्दों में आलोचना करते हैं। ऐसे अधिकारी को यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। सागर मीणा।